हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट विद हेल्दी ट्विस्ट। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप 20 से 25 सब्जी आसानी से बना सकते हैं, जो सभी रेस्टोरेंट में बनाकर रखी जाती है। तो इस मल्टीपर्पज़ ग्रेवी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी काजू और आधी कटोरी खरबूजे के बीज, दोनों को मैंने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। दोनों चीज़ें अच्छे से फूल गई हैं, तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। इसके लिए मैंने प्याज और टमाटर को कट कर लिया है, मैंने रफली चॉप किया है। प्याज की क्वांटिटी से टमाटर की क्वांटिटी को जस्ट डबल लेंगे। एक कढ़ाई में लेते हैं तेल, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर देते हैं और प्याज को भून लेते हैं। प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हम लो और मीडियम ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। जब भी आपके घर में गेस्ट आए, इस ग्रेवी को जरूर बना के रखें, ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगी। प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है, इसे निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और टमाटर की भी प्यूरी बना लेते हैं। टमाटर की प्यूरी भी रेडी हो गई है। कढ़ाई में ऑयल बच गया है, उसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। इसके बाद ड्राई मसाले लिए हैं, 2 तेज़पत्ते, 5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काली मिर्च, 4-5 लौंग और 1 चम्मच जीरा। सारे ड्राई मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, मसाले जल देने चाहिए। इसके बाद लहसुन और अदरक को दरदरा सा कूट लेते हैं, इसे मसाले में ऐड करते हैं और इसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूनेंगे जिससे हल्का सा कच्चापन निकल जाए। इसके बाद मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने कश्मीरी मिर्च यूज़ की है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। सारे मसालों को भी इसमें ऐड करते हैं, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। मसाले को हल्का सा भूनने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी को ऐड करेंगे। टमाटर की प्यूरी को थोड़ा सा चला लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड करें। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे ढक देंगे। इसके बाद जो हमने प्याज को ठंडा किया है उसे पीस लेते हैं, मैंने एक आइस क्यूब भी ऐड किया हुआ है। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, प्याज के पेस्ट को भी इसमें ऐड करते हैं। प्याज ऑलरेडी भुनी हुई है तो इसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत है नहीं। तो हमारी नॉर्मल ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे डेली की सारी सब्जियों में इस ग्रेवी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बनाते हैं हम शाही ग्रेवी। इसके लिए अपने काजू और खरबूजे के बीज का अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और नॉर्मल ग्रेवी को हम एक बार निकाल लेते हैं क्योंकि हम सारी सब्जी में काजू और इसका पेस्ट नहीं डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद काजू और खरबूजे के बीज के पेस्ट को भी इसमें ऐड करते हैं और इसे 5 मिनट के लिए लगातार भूनेंगे भी। पेस्ट के साथ जार को धोकर थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड करते रहेंगे। इसके बाद हम पनीर को कट कर लेते हैं, मैंने इसे पहले सेंटर से कट किया है।
इसके बाद हम इसे बीच में से कट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में कट करेंगे। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा तो मैंने ये कट किया हुआ है। इसे बीच में से एक और कट देते हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। अब बारी आती है, हम इसके साथ एक पनीर की सब्जी बनाएंगे। आप जो भी सब्जी बनाना चाहें इस ग्रेवी को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई में लेते हैं थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर। इसके बाद इसमें पनीर की पीसेस को ऐड करते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेते हैं। पनीर को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे बिल्कुल हल्का सा भूनेंगे। अगर आप इसके साथ कढ़ाई पनीर भी बनाना चाहें तो आप इस जगह प्याज और शिमला मिर्च को भी फ्राई करें। इसके ऊपर से हम अपनी ग्रेवी को ऐड करते हैं। आप जितनी पनीर की सब्जी बनाना चाहें उस हिसाब से ग्रेवी को ऐड कर सकते हैं। इसे एक बार चला लेते हैं। ये ग्रेवी आपके बहुत काम आने वाली है। मैं तो पर्सनली इसे बनाकर फ्रीजर में स्टोर करके भी रखती हूँ। चलिए तो सब्जी को एक बार स्टर करते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि इस ग्रेवी की हेल्प से मैंने कितनी फटाफट पनीर की सब्जी बना ली है। आप इसके साथ बहुत सारी सब्जियां बना सकते हैं। तो हमारी सब्जी तो बिल्कुल रेडी है, बची हुई ग्रेवी को करेंगे हम स्टोर। मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है और मैं इसे रखूँगी फ्रीजर के अंदर। अगर आप इसे 2 महीने तक भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी, लेकिन आपको जिस दिन इसे बनाना हो आप आधे से 1 घंटे पहले इसे फ्रीजर से निकाल कर बाहर रखेंगे और जिस तरीके से मैंने बनाया है सेम प्रोसीजर से आपको सब्जी को रेडी करना है। तो अगर आपको आज की ग्रेवी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलती रहेंगी।